मेजरलैंड फ्रांस में हम माउंटेन्स को देखते हैं। इसके पहले थोड़ा सा हम देख लें कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं, जो एक्सटर्नल प्रोसेस था जियोमोर्फोलॉजी का, तो उसमें क्या था कि मतलब जो वाटर है और जो विंड है, ये जो है ये भी एक्सटर्नल इफेक्ट करती हैं। और जैसे आप देखते हो कि नदियां हैं तो अपने साथ जब बहती हैं तो सेडिमेंट्स ला करके और प्लेन्स का निर्माण करती हैं, प्लेन्स बनाती हैं। ऐसे ही विंड जो है वो डेजर्ट को फैलाता है या फिर जो इरोजन का काम करता है, ठीक है। तो नदियाँ और विंड दोनों ही जो है वेदरिंग और इरोजन का काम करते हैं। और ये इससे क्या होता है कि जो रॉक्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, और ये छोटे पार्टिकल्स जहाँ पर भी जमा होते हैं कहीं एक जगह पे लैंड या वाटर के थ्रू ले जा करके, तो उससे जो है वहाँ पर एक नया लैंडफॉर्म जो है वो क्रिएट होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं माउंटेन्स को। तो माउंटेन क्या है कि अ स्टीप हिल विद एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 600 मीटर विद अ पीक स्मॉलर देन इट्स बेस इज अ माउंटेन, ठीक है। मतलब कि एक जो है तीखी ऊंचाई या मतलब एक हिल जिसका जो है बेस चौड़ा हो और उसका जो पीक है जो ऊपर का हिस्सा है वो छोटा हो, स्मॉल हो, ठीक है, वो जो है माउंटेन कहलाता है। क्योंकि आप जब देखोगे ना प्लाट्यू का, तो प्लाट्यू का भी क्या है कि उसकी हाइट होती है, एलिवेशन होता है उसमें भी, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि उसका जो अपर पोर्शन होता है वो जो है टेबल टाइप स्ट्रक्चर होता है, इसलिए जो है माउंटेन और इसमें प्लाट्यू में ये अंतर है, डिफरेंस है। फिर इसके बाद से टाइप ऑफ माउंटेन्स, तो बेसिकली तीन टाइप के जो है माउंटेन पाए जाते हैं, ठीक है। पहला है फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन में क्या होता है कि फोल्डेड में, क्योंकि इसको पहले ही बोल दिया कि मतलब फोल्ड है, मतलब मुड़ा हुआ है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, कि किस तरीके से डाइवर्स हो रहा है, ठीक है, डाइवर्जन या कन्वर्जन और जो ट्रांसफॉर्म, ये तीन जो मार्जिन आपको पढ़ाए मैंने, प्लेटों की जो एक्टिविटी थी, तो उसमें जो है जब दोनों प्लेटें आपस में एक दूसरे से कोलाइड होंगी तो वहां पर बनेगा क्या, फोल्ड माउंटेन, ठीक है। जैसे आपकी बुक है और ये बुक का आप पेज कोई पकड़ लो, ठीक है, और ऐसे जब दो एक साइड में आप करोगे तो क्या होगा, ये ऐसे जो है उभर जाएगा, ठीक है, ऐसे ही उभार जो है बना। और इससे जो है आप देख रहे हैं कि जब डाइवर्जन होगा दोनों प्लेटों का है तो क्या होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, डाइवर्स हो रहे हैं, तो उससे जो है एक माउंटेन बनेगा, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में देखते हैं तो वो ज्यादा बेटर आएगा इसमें, तो ऐसे हम बनाए तो इस तरीके से एक माउंटेन बनता हुआ दिख रहा है। तो ये होता है क्योंकि आपकी बुक छोटी है तो इसलिए छोटा सा माउंटेन दिख रहा है, ठीक है, जो कि आपके हाथ में है। अदरवाइज जब अर्थ की बात करेंगे तो हम खुद ही अर्थ पे हैं, तो यहाँ जो है बड़ा बड़ा माउंटेन बनेगा, ठीक है। फोल्ड माउंटेन की हम बात करते हैं तो इसमें जो है इसके थ्रू बनाया हुआ है कौन सा, हमारा जो हिमालय है, ठीक है, आल्प्स है, ठीक है, अरावली है। तो इस तरीके के जो माउंटेन है वो इस प्रोसेस से बने हैं, ठीक है, टेक्टोनिक एक्टिविटी से। इसके बाद से है ब्लैक माउंटेन। तो ब्लैक माउंटेन का क्या है कि इसके लिए कारण होता है टू ब्रेक अ क्रैक, कोई जो रॉक है बड़ी रॉक वो टूट गई, क्रैक कर गई, और क्रैक करने के बाद क्या हुआ कि अगर उसका अपवर्ड मूवमेंट होता है, जैसे बड़ा अच्छा फिगर बनाया हुआ आपकी बुक में, ठीक है, जैसे आपको मैं दिखा रहा हूं, ये एक जो है रॉक हो गई और रॉक जो है वो ब्रेक कर गई इस तरीके से। अब जब ये हिस्सा डाउनवर्ड मूवमेंट कर जाए, ठीक ना, ये मूवमेंट इसका जब डाउनवर्ड हो जाए तो क्या बनेगा, ड्रैगन बनेगा। और अगर ये हिस्सा अपवर्ड मूवमेंट कर जाए, ठीक है, ऊपर की तरफ निकल जाए तो क्या बनेगा, हॉर्स बनेगा। तो इस तरीके के पर जो माउंटेन है उनके एग्जांपल हॉर्स का तो हॉर्स ही है, और ग्रैगन का जो है ब्लैक फॉरेस्ट है, ठीक है, जहां से आपको दिखती है राइन रिवर जो है उसी के बीच से गुजरती है, फिर जो ब्लैक फॉरेस्ट है वहां से डेन्यूब रिवर निकलती है, यूरोप में है ये पर्वत, ठीक है। तो ये है। इसके बाद से है वोल्केनिक माउंटेन। तो वोल्केनिक माउंटेन कैसे बनता है,
एक्चुअली मैंने जब बताया आप लोगों को तो उसमें बताया मैंने कि कैसे एस्टोनोस्फीयर होता है, वो कैसे पिघली हुई अवस्था में होता है, ठीक है। तो जब ये टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है ना, तो उसमें जब कोई प्लेट, दो जो है प्लेटें जब आपस में टकराती हैं, तो कोई एक प्लेट जो है वो सबट्रैक्ट कर देती है, ठीक है, नीचे जो है वो एस्टोनोस्फीयर में धस जाती है। और जब नीचे धसेगी वहाँ गर्मी ज़्यादा है, ये प्लेट ऊपर थी अंदर गई ज़्यादा गर्म पोर्शन में गई, वहाँ मोल्डेड जो है रॉक्स हैं तो उनके साथ ये भी पिघल जाती है और वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। जो एस्टोनोस्फीयर है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या करेगा, वो प्रेशर क्रिएट करेगा, और वो प्रेशर क्रिएट करके कहीं ना कहीं जो अर्थ का सर्फेस है उस पर रप्चर करके बाहर निकलेगा, तोड़ते हुए बाहर आएगा, ठीक है। और जब ये बाहर आएगा तो इसमें से जो मैग्मा आएगा तो मैग्मा से गैस वगैरह निकल जाएगी, बाकी लावा जो है वो इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, और यही वोल्केनिक एक्टिविटी से बनते हुए जो ये स्ट्रक्चर है ये बड़ा होते होते जो है ये वोल्केनिक माउंटेन बन जाएगा। इस तरीके के दो एग्जांपल्स मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। एक है माउंट कोटापायक्सी जो कि साउथ अमेरिका में है, इक्वेडोर में है, ठीक है, और एक तंजानिया में है, उसका नाम है माउंट किलिमंजारो, ठीक है। इंडिया में आप अगर देखोगे तो जो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, ग्रुप आइलैंड्स, तो उसमें आपको मिलेगा बैरन आइलैंड, तो बैरन आइलैंड में भी इस तरीके का माउंटेन आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है आपके माउंटेन्स हो गए। अब इन माउंटेन्स से जो है फायदा क्या है, इनका जो है इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज माउंटेन्स, तो हम देखते हैं ना कि इनका इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस को हम देखते हैं पहले पॉइंट वाइज, एक एक करके मैंने जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एक बताता हूँ आपको। अबॉन्डेंट सोर्स ऑफ वाटर, तो ये जो है वाटर के सोर्स हैं। अब वाटर के सोर्स कैसे हैं, तो जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एटमॉस्फेयर, तो उसमें मैंने बताया था कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर डाउन होता जाता है, और माउंटेन क्या होता है कि जो माउंटेन पीक्स हैं ये ऊंचाई पे ही होती है, हाइट पे होती है, और जब हाइट पे होगी तो क्या होगा, अगर मान लिया कि मतलब इस पे बर्फ नहीं है तो क्या है कि जब भी बारिश वगैरह होगा तो वहां से ये चीजें आएंगी, ठीक है। लेकिन अगर हाइट अच्छी है तो क्या होगा कि ऊपर जो है नमी उस पे जमती जाएगी और वहां पे जो है बर्फ मिलेगी, और वही बर्फ जो है वो पिघल करके और एज ए सोर्स ऑफ वाटर वो काम करती रहेगी, ठीक है। इसके बाद से क्या है, जनरेटिंग ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो जाएगा, एक्चुअली है क्या कि पहाड़ों से जो है पानी, जब चूंकि एलिवेशन ज़्यादा है इस वजह से वो तेजी से नीचे आएगा, डाउनवर्ड आएगा, और एक भी छोटा सा बांध बना के चेक डैम टाइप का या फिर कोई बड़ा ग्रेविटी डैम बना करके भी हम वहाँ पर उससे जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद से है स्टोर हाउस ऑफ रिसोर्सेज, बहुत सारे पर्वत जो है वो रिसोर्सेज के स्टोर हाउस होते हैं, क्योंकि आप देखोगे तो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के केस में बाबा बुदन की पहाड़ियां जो कर्नाटका में है वहां से जो है आयरन ओर निकाला जाता है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी पहाड़ियां हैं जिनसे ये निकाला जाता है, और जो आपके वल्कनिक इससे बनी है एक्टिविटी से उनमें भी आप देखोगे तो क्या है ना कि जो एस्टोनोस्फीयर या जो भी चीजें नीचे से आई है तो उसका जो लावा है उसमें ढेर सारे जो है वो आपको इस तरीके की चीजें मिलेंगी, मतलब रिसोर्सेज मिलेंगे, ऐसे मिनरल्स मिलेंगे जिनको हम जो है बाहर यूज करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया आपका, कॉपर हो गया, या जो भी इस तरीके के मेटल्स हैं इनको हम यूज करते हैं, या फिर कुछ नॉन मेटल चीजें भी हैं जो वहां से आते हैं और उनको हम यूज करते हैं, वो इसमें पाई जाती हैं। तो ये उसके भी एक स्टोर हाउस जैसे। फिर है टूरिस्ट अट्रैक्शन, तो टूरिज्म के लिए भी जो है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे आप इंडिया की अगर बात करो तो कश्मीर जाते हैं घूमने आप, फिर वही पास में हिमाचल है जहाँ शिमला, कुल्लू, मनाली, लाहौल स्पीति, ठीक है, और उत्तराखंड में देख लो वहाँ पर भी है, ठीक है, तो वहाँ पर भी पहाड़ है, हरिद्वार है, कोटद्वार है, ठीक ना, फिर देहरादून है, मसूरी है, फिर ऋषिकेश है, मतलब आप जाओ कभी वहाँ पे, इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मैंने उसको इंजॉय किया है, ठीक है। फिर इसके बाद से इंस्पिरेशन ऑफ लिटरेरी पीपल, जो लेखक हैं वो जब प्रकृति पे कुछ लिखते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो
पहली चीज कि उनको वहां पे शांति मिलती है क्योंकि वहां पे कोलाहल नहीं है। कोलाहल क्यों नहीं है? क्योंकि आसानी से वहां पे कोई चीज बनाई नहीं जा सकती, और जब बनाई नहीं जा सकती तो वहां पे उतनी भीड़ जाएगी नहीं, और जब भीड़ नहीं जाएगी तो वहां पे कोलाहल जो नॉइज है वो नहीं रहेगा। तो इसलिए लोगों को वहां पे सुकून मिलता है और इससे लोग इंस्पायर होते हैं उन खूबसूरती में, उन वादियों में, और फिर जो है अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी जो भी उनको लिखना रहता है वो लेख, कविताएं, गीत जो भी है वो लिखते हैं। इसके बाद से है फॉर्मेशन ऑफ टाइल प्लेन्स, माउंटेन्स फर्टाइल प्लेन्स को बनाने में किस तरीके से कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो आप देखते हो कि जो हमारी गंगा, यमुना, ये नदियां आती हैं जिससे हमारा फर्टाइल नदर प्लेन ऑफ इंडिया बना हुआ है, ये प्लेन बनने में सबसे ज्यादा अगर योगदान किसी का है तो वो किसका है कंट्रीब्यूशन, वो हिमालय का है, क्योंकि ये हिमालय से ही आती हैं नदियां, और वहां से जब इरोड करके सेडिमेंट्स लेकर के आती हैं और वही सेडिमेंट जो है वो यहाँ पे छोड़ती हैं और उससे हमारा ये जो एलुवियल प्लेन बना हुआ है। ठीक है, तो एक चीज इधर के लिए। फिर आप देखोगे साउथ इंडिया की अगर बात देखो तो वहां पे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, और इन नदियों का भी जो डेल्टा है या इनका जो प्लेन का रीजन है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है। ठीक है, तो कारण यह है कि वेरियस टाइप ऑफ मिनरल्स उनके सेडिमेंट्स में होते हैं जिससे जो भी प्लांट होता है, जो भी हमारी क्रॉप्स होती हैं उनको वो अच्छे से नर्चर कर पाते हैं। ठीक है, अगला है नेचुरल पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। तो फ्रंटियर्स का मतलब होता है सीमांत, मतलब कि जहां पे सीमाएं समाप्त होती हों, खत्म होती हों। तो जो हमारे माउंटेन्स हैं ये जो है प्राकृतिक और राजनीतिक सीमांत बनाते हैं। जैसे हम अगर बात करें तो इंडिया और चाइना के बीच हमारा हिमालय है, ये बॉर्डर क्रिएट करता है। ये बात निकल है कि मतलब चाइना कहीं मतलब हिमालय में अंदर तक है तो कहीं इंडिया है, तो इस तरीके का एक जो है बॉर्डर वो जो है डिटरमाइन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और लास्ट पॉइंट है इफेक्ट्स ऑन क्लाइमेट, और ये जो है क्लाइमेट पे भी इफेक्ट डालते हैं। जैसे हम इंडिया के ही केस में अगर देखें तो क्या है कि जो साइबेरियन विंड्स चलती हैं जो सर्दियों में बहुत ही ठंड रहेगी, ठीक है, तो वो जो है पोलर विंड से जो भी उधर की विंड आएगी ठंड लेकर के वो केरला तक जो ठंड फैलाती वो चीज़ें इसलिए नहीं आ पाती हैं क्योंकि हमारे वहाँ हिमालय जो है वो हमारी रक्षा के लिए खड़ा है और उन हवाओं को उधर ही रोक देता है। फिर आप देखोगे कि इंडिया का जो क्लाइमेट मानसून टाइप का है तो वो इस वजह से है क्योंकि जो मानसून है ना उसको वो पार करके जाने ही नहीं देता, बारिश करा लेता है हिमालय अपने साइड में, इंडिया के साइड में ही, तो इस वजह से वो अच्छी बारिश भी मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट डालती हैं जो माउंटेन्स से होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई हमारी माउंटेन के बारे में। अब इसके बाद से हम बात करते हैं प्लाट्यूज के बारे में।